नई गाड़ी है भारत। वही है ना, मैं तो हेलीकॉप्टर पे चला लूं। कोई दे तो। तेरे को बड़ी आती है चलाने, बड़ी बहू पहले। हमें संतुष्टि मिल रही है कि हमने इसके लिए कुछ कर पाए। अरे वो और कितनी लंबी लंबी भिंडी है। अरे बाल कुछ लगना चाहे। क्या साफ साफ यार, मैं नहीं जा रही बाबू, बीच में कर लो। ये कैसे लटका हुआ है? भिंडी का भिंडा है ये। अयान जैद और तुबा का खाना बन जाएगा इसमें। एक भिंडी में बाकी घर की भिंडी को मिक्स करके बनवाऊंगी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। रेडी किस लिए हुए हैं? क्योंकि आज हमारे फार्म में होगा हवन, तो निकल रहे हैं हवन के लिए। आज दोबारा फिर बैल गाड़ी चलाने वाली है। बिल्कुल, आज मैं गाड़ी आज मैं चलाऊंगी। दिमाग मत खराब कर। क्या दिमाग मत खराब कर? आती है गाड़ी मेरी बात। कौन बैठेगा तेरे साथ? मैं बैठूंगी अकेले और गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। वापस करो पागल। तुम लोग आ जाना दूसरी गाड़ी में, जिसको मृत्यु बैठेगी मुस्कान में सर। हम करते हैं चाबी पार्किंग से निकाल के दिखा दे। ठीक है, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी तक का तो पता नहीं, जो भी है चला लूंगी मैं। ठीक है ना, आप बैठोगे ना भैया? बिल्कुल। जा गोलू निकाल गाड़ी। ओ भाई रहने दे गोलू, रहने दे। बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल। नई गाड़ी है, बाहर निकाल। सूरज ने देखा भी नहीं अगली बार चाबी। सूरज भैया से पूछ लिया था मैंने व्हाट्सएप पे कि भैया अपने गाड़ी किस पर ऐसे मत बोलो, उसकी मेहनत की कमाई की ये गाड़ी है। चल बाहर निकाल, अभी तक इसकी किस्त भी नहीं गई है पहली। पायलन मैं थोड़ी तोड़ूंगी गाड़ी, छोड़ प्लीज मेरा हाथ छोड़, गाड़ी चला नहीं। देख ला आजा भाई, आजा गोलू लेट हो रहे हैं। पीछे होके देख रहे हैं सब, अच्छा नहीं लग। कोई नहीं है, तू आजा भाई। इसलिए एक बार स्टार्ट करने दे, अभी कोई है नहीं। स्टार्ट ठीक है, एक काम कर, तू गाड़ी स्टार्ट कर ले। तू गाड़ी चला, बीच में मेरे को दे दियो, आगे बैठ रही हूं मैं। बीच में उतर के इसको दे दूंगी गाड़ी। ध्यान से चला गाड़ी, नहीं पता तो मुझे बता देना। बताया थी देख, पीछे कर तू इसको, ऐसे पार्किंग से करा दी। ध्यान से बैक कर, मैं देखती हूँ। हाँ कर ले, कर ले। बैक गियर तो लगा, जब बैक गियर लगाते हैं ना फ्रंट में कैमरा आता है। तू ज्यादा पता है, सारी चीजें पता है। बस वही है ना, मैं तो हेलीकॉप्टर पे चला लूं, बट वही है ना, मैं ग्रूर नहीं है मुझ में। तो कोई दे तो सही बात है, कभी ना कभी चलाऊंगी। चल ऐसे यू टर्न कर। इंसान को ना एक ऐसा जीवन चाहिए जिसको बीवी को गाड़ी चलानी आती हो, पीछे आराम से बैठ। क्या बोलती? हाँ सही बात है, तेरे को बड़ी आती है चलानी। एक बीवी को तो आती है ना। हाँ। तो मैं तो बैठी हूँ ना आराम से। किसी के पास दो थोड़ी होती हैं, है? वो आपकी किस्मत है बेटा। आज बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, खुद सेट करे हैं? खुद सेट कर। आजकल खुद सेट करने लग गए हो ना, आदत डाल रहा हूँ ना। हाँ, डालनी पड़ेगी आदत। देखो खुद इंसान को सारा काम करना आना चाहिए, चाहे खाना हो चाहे पीना हो सब। एक काम करे, घर आके मुझे बताइए, मैं तेरे कुछ खाने का बनाऊंगा जो तेरा दिल करे। ठीक है, सिर्फ पायली खाएगी, फिर मैं उसको हाथ लगाऊंगी। बड़ी बहू पहले, मैं नहीं खाऊंगी नाम उसका लेना अपने। मैं बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं करूंगी, किचन में भी नहीं आऊंगी। अब अपना उसके लिए बनाना। एक काम करना, मैं तो रोज ही खाऊंगी, आप इसे खिला। मुझे नहीं खाना, अब नहीं खाना, अब ऐसे बोल के नहीं खाती मैं। पाल अगर एक महीना कंटिन्यू गाड़ी चला ले तूने, फुल एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मैं चलाया करूंगी। बोलू तू भी सीख ले यार। मैं सीखूंगी ना, जब अभी टाइम आएगा तो सीखती हूँ। बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया है। आपकी टीम बहुत अच्छी है यहाँ पे, और आपने जो कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है, आपने काफी डॉग्स रखे हुए हैं। हाँ। और काफी वो चिड़िया बर्ड्स भी रखे, बर्ड्स भी रखे हुए हैं। सब कुछ बढ़िया है, बहुत सुंदर है, ऐसा कोई नहीं करता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये भगवान तो किसी ने नहीं देखा है, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये बहुत सुंदर कार्य है। कहने का मतलब ये है कि भगवान का आशीर्वाद है, और ऐसे ही आप बस परमात्मा के आपके ऊपर कृपा बनी रहे। भगवान ने हमें सामर्थ्य बनाया है कि हम अपने साथ इन बेजुबानों का भी कुछ कर सके। तो ये इनकी सोच थी, बस इनका सपना था कि भाई जब मैं इतना सक्षम हो जाऊं तो मैं ऐसे बेजुबान लोगों का जो है कुछ कर सकूं। तो इन्होंने ये फिर इसलिए सब खोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हवन हमारे ऑफिस में हो रहा है, ऑफिस भी हमारा पूरा रेडी हो गया है, और बस पूरी टीम को बुला ले, आज बैठ जाएंगे सब लोग। तो रात के 12 बजे यहाँ पे ना हमारी फैन की फिटिंग हुई है, रातों रात काम हुआ है, ताकि ना अब क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ पे अपने खाट बिछा देंगे, एक बैठने का इंतजाम कर देंगे और यहीं बैठेंगे। और पाए सर्दियों के अंदर इसको वो करना पड़ेगा कवर। तो गाइज आप सभी लोगों के लिए एक हमारा मैसेज ये है कि हमने जो ये फार्म खोला है ना, ये फार्म उन लोगों के लिए खोला है, उन डॉग्स के लिए खोला है या उन पेट्स के लिए खोला है जिनको स्ट्रीट पे चोट लगी होती है, या फिर खाने के लिए नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा जख्म है, सिर्फ उसी के लिए खोला हुआ है। जो आपने अपने घर में पर्सनल अपने लिए पेट पाले हुए, उनके लिए सराय नहीं है। तो प्लीज वही लोग कॉल करें जो स्ट्रीट पे देख रहे हैं किसी को चोट लगी है, किसी को हमारी नीड है, वही लोग हमें कॉल। कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉग पाल लेते हैं, जब वो बुड्ढा हो जाता है, वो भौंक नहीं पाता, घर की केयर नहीं कर पाता, वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि अब हम इसको नहीं रख पाएंगे, तो प्लीज आप इनको आके ले जाओ। तो भैया देखो, जब वो ठीक ठाक था, जवान था, आपकी घर की रखवाली करता था, उस टाइम तो आप उसको रखते थे, उस टाइम तो पूरी सेवा कर रहे थे, सब कुछ खाना पीना दे रहे थे। और आज जब वो भूख नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, एक्टिव नहीं है, तो आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो। तो ऐसा कल को आपके साथ भी हो जाएगा। जब तक आप अपने बच्चों का ध्यान रखोगे तो ठीक है, कल को आप बुड्ढे हो जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला। तो ऐसा मत करो, पृथ्वी है, सब कुछ घूम फिर के आपके ऊपर भी आने वाला है। थोड़ा ध्यान रखो, केयर करो। जब हम भी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे, एक बात बताओ। हम अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल रहे हैं चीज़ों के लिए। आखिरी में यही सत्य है कि जो आप अच्छा करोगे अच्छा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। पंडित जी गलती करो, बिल्कुल सही बात महाराज। मम हृदय निवासम एक दंतम नमामि, कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक समस्त पाप दूर करना अर्थ है।
तुलसी फार्म अंतर ओम हरि ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम केसरादि स्वाहा ओम श्री राम मनसा देवे नमः स्वाहा 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 स्वाहा। तो गाइस हवन हो गया कंप्लीट, अब देख लेते हैं हमारे जो पेट्स आए हुए हैं उनकी कितनी रिकवरी हो चुकी है, उससे मिलवाती हूँ आपको। चलो गाइस एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये अभी जस्ट मैं अंदर से आई हूँ, बूरा की जो कंडीशन है ना पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। बूरा आप खड़ा होके खुद से भौंकने लगा और खुद से चलने लग रहा है। तो आप लोग मसकली से तो मिल गए होंगे, तो ये हमारी दो मसकली जितने भी है सारे हमारे बर्ड्स है और फुल मस्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर इनको हवा में बाहर रख देती है, फिर हम इनको रख देते हैं फार्म में। यहाँ पे सारे मस्ती कर रहे हैं सारे, हवा जरूरी है ना और क्या। चलो अंदर चलते हैं गाइस। ये है बूरू जिसको क्यों किया था हमने अपनी सोसाइटी के बाहर से, इसको चार पर डॉग्स ने ना बाइट किया हुआ था और ये आज इसको थर्ड डे हो गया यहाँ पे। थर्ड डे में ये इतना रिकवर हो गया कि अच्छे से ना तीनों टाइम का खाना खा रहा है। दो दिन इसने खाना देखो खाने में। हाँ जी और क्या हाल है, हमें पहचानने लग गया। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना खड्डा हुआ बड़ा, दवाई लगा के पट्टी बांधते हैं, पट्टी ये करवा नहीं रहा है ना। और आप लोगों ने ये भी कहा था कि पट्टी डाल के मत रखना क्योंकि डॉग्स जितना अपनी जीभ को जख्म पे टच करते हैं ना उतना वो जल्दी रिकवर होते हैं, तो इसलिए भी हम पट्टी नहीं बांध रहे। तो गाइस ये है गुन्नू, गुन्नू को हो गए आज पूरे 5 दिन यहाँ पे आए हुए हैं। और गुन्नू को ना एक्चुअली क्या हुआ, गुन्नू को पारवो हो गया है, लेकिन ये है जो पारवो से थोड़ा रिकवर कर रहा है। डॉग्स इनको जो है डॉक्टर हमारे पूरे इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, तो ये इसलिए भौंक रहा है क्योंकि अभी अकेला है और इसको ना सब में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलने वाली होती है, इससे किसी और को ना हो जाए, इसलिए इसको केज में रखा हुआ है। तो गाइस ये हमारा मारुति और ना इसको भी पारवो है, तभी ना दोनों को सेपरेट रखा हुआ है और थोड़ा सा टाइम लगेगा मारुति को रिकवर होने में। मारुति के ना पारवो भी है, साथ ही साथ मेरे को लग रहा है स्किन इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन भी था दोनों एक साथ था, उसको दवाई वगैरह लगाई हुई है। इन्फेक्शन तो इनका ऊपर का बॉडी का खत्म हो गया पर पारवो भी है, टाइम लगता है। देखो पारवो एक ऐसी डिसीज है जो बार बार फैलती है और एक तरह का वायरस है ये डॉग्स का। भैया इनको पानी वानी क्यों नहीं रखा हुआ है, दोनों को प्यास लगेगी क्या पियेंगे ये लोग। जैसे पारवो होने के बाद इनको खाना पीना बिल्कुल बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर हम इनको कुछ खाने के लिए देंगे ना तो इससे उल्टी वगैरह होंगी, तो हम इसको इनको कुछ दे नहीं सकते। अभी ये ड्रिप चल रही है इनकी तीनों टाइम की और ट्रीटमेंट चल रहा है कंप्लीट, तो उसमें पानी खाना कुछ नहीं देते, मरीब से ही होगा जो होगा। 5 दिन तक फिर अच्छा, जैसे गाइस हम होते हैं बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें ड्रिप चढ़ाता है कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं, ऐसे ही इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनका खाना पीना बंद है, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने बोला पानी रख दो। बहुत ज्यादा ना खुशी की बात ये है कि जो हमारा बुरा है ना कितने दिनों बाद ना वॉक पे गया था, अपने पैरों पे खड़ा हो गया और ना मेरे आते ही ना वो घू घू कर रहा है, मतलब उसको ये मन कर रहा है कि मेरे को ना छोड़ दो और मैं घूमना चाहता हूँ, खेलना चाहता है वो, ये खेलना चाहता है घूमना चाहता है। और सबसे खुशी की बात ये है कि सबसे ज्यादा इंजर्ड हमारा यही भूरा था और भूरा रिकवर कर रहा है, इसका मतलब हमें संतुष्टि मिल रही है कि हमने इसके लिए कुछ कर पाए। तो यहाँ पर मैं आपको मिलवा देती हूँ गुनगुन से जो बिल्कुल सही है, और गुन्नू को ना जैसे कि बताया पारवो हो गया तो इसको हमने अलग रखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, फ्रीली घूम सकता है खा पी सकता है, इसकी कंडीशन बिल्कुल मस्त है। तो अभी मैं मिलवा देती हूँ हमारी सुंदरी से जो कि किसी का पेट एनिमल था, उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम हेल्दी है और खुश है। और सुंदरी को हमने केज में इसलिए रखा हुआ है जैसे कि बताया ना कि उन बच्चों को पारवो है, तो मैं नहीं चाहती कि हेल्दी बेबी को कुछ भी हो हमारे, इसलिए सुंदरी को यहाँ पे रखा हुआ है। हेलो सम्राट, हाउ आर यू बेबी, कैसे हो आप, अभी पहचानने लग गया। सम्राट के पीछे जाएगी ना लात भी मार दे भाई। हाँ सच में पीछे रहेगी तो यहाँ नहीं, पीछे यहाँ से कुछ नहीं बोलता, थोड़ा सा मुंह से भी रहना क्योंकि इसके मुंह में उंगली जाएगी ना तो इतना समझदार नहीं होता है, उंगली छोड़ दे कट लेगा। ऊपर रखते हैं ना यहाँ पे रख ऐसे थोड़ा ध्यान से है ना। गाइस इसकी ना आईज मुझे इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है, इतनी भोली लगती है इसकी आंखें, सच में जैसे बहुत इनोसेंट, देखो इसकी आंखों में चमक है गुड्डू एक अलग सी है ना, जब बड़ा हो जाएगा ना वाली मतलब खतरनाक लगेगा, मतलब ये लो रोड की गाड़ी एक तरफ और जब रोड पे दौड़ा करेगा ना एक तरफ ये एक तरफ। तो भाई हवन हुआ है तो हमारा सम्राट भी खाएगा हवन का प्रसाद, कोई सम्राट आगे आ रहा है प्रसाद के लिए, सम्राट को केला अच्छा लगता है, चटोरा है, चटोरा है, भगवान पसंद है इसे। आराम से बेटा आराम से। आजकल लोगों को ना बहुत दिक्कत हो रही है हमारे जो डॉग के नाम है, जैसे किसी का नाम हमने एक्स वाई जेड रख दिया, तो हमारे पास किसी कॉल आई कि आप अपने डॉग का नाम ये क्यों रख रहे हो, आपने अपने डॉग का नाम अरमान पाल या कृतिका क्यों नहीं रखा। तो भैया ऐसा है डॉग इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं, तो हमारा जो दिल करेगा हम वो रखेंगे, तुमसे जो होता तुम वो कर लो। मेरे साथ तो देखो ना मेरे सामने सामने की बात है, कम से कम नाना करते करते पाल मैंने 5 से 6 डॉग देखे हैं जिसका नाम गोलू है। हाँ, और मैंने अपना नाम थोड़ी चेंज कराया है, भाई जीव है उसके अंदर जान है उसके अंदर, हम रख सकते हैं हमारी मर्जी है ठीक है ना। तुम्हारा नाम पैटर्न नहीं करवा रखा, पहले जाओ पैटर्न करवा लो, ये को बोलो रजिस्टर कर दो, उसके बाद आगे बात करना नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई देखो इंसान है आदमी उससे ज्यादा वफादार होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे ध्यान दो। तो अब हमारा सम्राट है हॉर्स है, इसका नाम हमने सम्राट रखा है, लेकिन सम्राट ज्यादातर राजा महाराजा होते थे। हाँ। तो क्या इसको हक नहीं है कि ये हम इसे अपना राजा बना सकते हैं, तो हमने बनाया है सम्राट। भाई नाम से कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी कॉमन सेंस अपनी जो सोच है उसको थोड़ा बड़ा करो। अब ये देखो सम्राट है हमारा,
जान आज तो लाख पड़ जाती हूँ जैसे मराठी। हाँ बच गई पाई कैमरा ऑन नहीं था। नहीं आज के बाद ना मैं पीछे से कभी इसको ऐसे ऐसे नहीं करूंगी, सिर्फ आगे से करूंगी। आगे से जितिन भाई बोले थे थोड़े दिन बाद इसकी टांगे बांधा करेंगे पीछे, फिर इसको आदत हो जाएगी। मेरी टांगे बंधी हुई आदत हो जाएगी। सोच रही वो लोगों ना भिंडी कैसी लगती है, कहाँ लगती दिखा देते हैं। मैंने देखी ऐसी भिंडी कहाँ लगती है, बट मेरा बहुत मन था भिंडी को एक पर तोड़ू और वो भिंडी ना घर जाके बनवाऊंगी। एक भिंडी का क्या बनवाएंगे? नहीं नहीं एक भिंडी में बाकी घर की भिंडी को मिक्स करके बनवाऊंगी। अरे वो और कितनी लंबी लंबी भिंडी है। बाल कुछ लगना जाए आराम से बाल लगना जाए कुछ। दिख गई क्या? साफ साफ नहीं नहीं वो था क्रिकेट 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 था इतना बड़ा वो ले लेना। देख साफ सी भिंडी एक ही भिंडी तोड़े पक्की हुई है। तोड़ ले ले गोलू एक भिंडी तो ले तू तो ऐश कर। थैंक यू। हाँ पाल करेला यू आर मैनेज आ रही बाबू। इधर आ जा कहाँ है दिखाइयो मुझे दिख नहीं रहा। कितना प्यारा करेला बीच में करेला। ये कैसे लटका हुआ पाल? करेले की तो बेल होती है बेल ही है तो ये वाली जो बेल है ना करेले की बेल है। मैं तोड़ लूंगी एक करेला। नहीं नहीं रहने करेगी क्या? चलो घर चलो चल भूख नहीं लगी को चलो चलो। ये वाली भिंडी देख भैया एक बार इधर आना वो वाली भिंडी तोड़ के दिखाना एक बार दो। ये एक बड़ी करेगी क्या? इतनी बड़ी बड़ी भिंडी कभी देखी नहीं मैंने। तो बड़ी भिंडी है तो ये देखो भिंडी का भिंडा है भिंडी का भिंडा। ये तो सही है ये तो इसका मतलब अयान जैद और तुबा का खाना बन जाएगा इसमें। अगर आंटी को दूंगी ना आंटी खाना बना देगी वहाँ से एक और है। चलो भाई चलो अच्छा काम करूँ क्या दोबारा रिक्स लूंगा मैगडी में खाना मैकपो वगैरह। यार रिस्क लेने वाली बात है चलो लेकिन भूख लग रही बड़ी तेज। मुझे भूख लग रहा है मुझे ऐसा पता क्या लग रहा है आज ऐसा फील हो रहा है कि भीड़ कम होगी क्योंकि आज ना ऑफ नहीं है ना। आज ऐसा करते हैं मैगडी की जगह किसी और का खाते हैं बर्गर किंग या फिर केएफसी का खाते हैं। बर्गर किंग चलो अगर बच्चों को गिफ्ट दे दीजिए के ले लो। हां मुंह में डालेंगे ना। नहीं मैं ये शांति को दूंगी उसका टास्क है एक बंदे को सब्जी ना किसी की पूरी करके खिला दूंगी। खुद ही बनाओ ना तुम एक दूसरे के लिए। भिंडी तो मैं बना दूंगी मेरे को तो बनाने आती भिंडी पॉटी हैप्पी बर्थडे मेरी जान। पाँच महीने का हो गया है आज मैं लाडू है ना। पाँच महीने होगा एक साल का ही काटेंगे इनका। एक गोलू कह रही मैं हर महीने कटवाऊंगी। मैंने ये बोला था कि ना इस बार क्या करते हैं बच्चों का कल वाला फिफ्थ मंथ बर्थडे और इसका सिक्स मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आवाज नहीं निकालता मुझे ना हमें लाडू। ये कह रहा मेरे को क्यों नहीं देख रहे? हाँ जी हाँ ये तो सोच रहा है सोच में पड़ा ये भोला बाबा हमारे बोलू बंदरू है ये। इसको भी ऐसा हूँ देखना गुच्चू गुच्चू बाल छोड़ शानी बाबू गुगु भाई हंसते पर थोड़ा कम कभी कभी है। तो गाइस आज मैंने टास्क दिया अरमान जी को देखते हो कितने सेकंड में जो है वो टी शर्ट निकाल देते हैं यार। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। निकाल दिया एक साइड से तो कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो चार सेकंड हो गए हैं 30 सेकंड दिया मैंने आपको 30 सेकंड के अंदर निकालनी है और पिनानी भी है 10 सेकंड हो गए जल्दी करो 12 सेकंड जल्दी करो 15 सेकंड बचे आपके पास जल्दी करो जल्दी बच्चे को बच्चे से नहीं मत करो अगर मुझसे ना हो गया ना जल्दी करनी है जल्दी करो टाइम देखना देख ले 29 सेकंड वाह इसका मतलब आप कोई भी टास्क कर सकते हो। हाँ। आजकल टास्क कर रहे हैं बहुत।